आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के दौरान कई दलों के प्रत्याशियों की सांसें अटकी रहीं। आगरा उत्तर सीट से भाजपा प्रत्याशी के नामांकन पर जब आपत्ति लगी तो भाजपाई खेमे में हलचल मच गई। वहीं एतमादपुर से आजाद समाज के प्रत्याशी सहित प्रत्याशी के नामांकन पत्र कमी के चलते खारिज कर दिए गए। एतमादपुर विधानसभा सीट से हाई प्रोफाइल प्रत्याशी माने जा रहे बसपा के बागी सर्वेश बघेल सहित 19 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हो गए। अब जिले की 9 विधानसभा सीटों में कुल 114 प्रत्याशी चुनावी समर में रह गए हैं। प्रत्याशियों की सही तस्वीर 27 जनवरी को नाम वापसी के बाद ही साफ हो पाएगी। बहरहाल, आगरा उत्तर सीट से भाजपा प्रत्याशी का पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने नामांकन पत्र में आप प्रत्याशी कपिल वाजपेयी ने आपत्ति दर्ज करा दी, जिसके बाद भाजपा की पूरी टीम एकत्रित हो गई। बढ़िया है, जो नियमानुसार काम होता है और चुनाव आयोग की जो नियम है उसके अंतर्गत सारी कार्रवाई चल रही है और आज शाम को 3 बजे सब क्लियर हो जाएगा। बीजेपी का तो परमानेंट विश्वास हमारे ऊपर है, हमारा विश्वास बीजेपी के ऊपर है, इसमें कहीं सोचने की बात ही नहीं है। हम लोग कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता पर संगठन विश्वास करता है, नेतृत्व तो विश्वास करता है और नेतृत्व तो ने हमको प्रत्याशी बनाया, इसलिए हम प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं। हम तो पार्टी के लिए लड़ना और लड़ाने का काम करते ही रहे हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। कार्यकर्ता के रूप में हम प्रत्याशी हैं। मेरा पर्चा स्वीकार हो गया है। आपत्ति मेरे द्वारा एक आपत्ति करी गई थी उस वर्तमान विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी के खिलाफ कि उन्होंने अपने मुकदमे को छुपाया है, एफिडेविट में वो मुकदमे नहीं दिखाए, लेकिन प्रशासन ने उनके लिए क्लॉज निकाल लिया है कि किसी प्रकार से जी इसका निर्णय कोर्ट करेगा। इसका निर्णय यहाँ पर उनका पर्चा खारिज नहीं किया है, लेकिन ये इसका निर्णय उन्होंने मुझे बताया है क्लॉज के तहत, नियमों के तहत कि वो कोर्ट करेगा। अब हम आपत्ति कोर्ट में भी कर सकते हैं। बढ़िया से चुनाव लड़ना है, इस बार जो गंदगी पड़ी हुई है उसको झाड़ू से दूर करना है। सामाजिक रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं, बदलाव की बहुत बड़ी पेशकश, लोग जैसे दिल्ली में बदलाव हुआ था और वो बदलाव यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। अन्य प्रत्याशी भी अपने नामांकन की स्क्रूटनी के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे थे। इन सभी प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया। आज जो यहाँ पे SDM महोदय, उन्होंने बुलाया था, हमारे जो इलेक्शन एजेंट भी हैं और हम भी हैं, तो पर्चा क्लियर पाया गया है। और जिस प्रकार से क्षेत्र में हमारी अपनी लगातार 15 वर्ष से सक्रियता रही है, हमेशा सुख दुख में उनका भागीदार रहा हूँ, 24 घंटे का अपने आगरा ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्र का जनता का सेवक रहा हूँ, और एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि ना होते हुए भी जितने कार्य हो सकते हैं शासन प्रशासन से मैंने कराए हैं। हमारी कांग्रेस की सरकार रही तब भी हमने अकोला क्षेत्र में 3-3 टंकियां घरों तक पानी पहुंचाया है, खाल खलुआ की सड़कें बनवाई हैं, नगला कार्य की बनवाई हैं। धानौली क्षेत्र जो दलित बाहुल क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ही उपेक्षित था और बहुत ही भारी जल भराव रहा है, सड़कों टूटी पड़ी थी, उसमें भी हमने आंदोलन करके और शासन प्रशासन से लड़ करके वहाँ सड़कें बनवाई हैं। इस प्रकार के कई सारे दर्जनों उदाहरण हैं आगरा ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जिसमें कि जनता जानती है कि हमें एक ऐसा ही 24 घंटे का सेवक चाहिए जो कि उपेंद्र सिंह के रूप में देखती है। आज नॉमिनेशन की स्क्रूटनी थी, उसमें हम लोग आए तो हमारे आरओ साहब ने हमसे कहा कि आपका तो पर्चा बिल्कुल ओके है, कहीं कोई कमी नहीं है और हम आपको 27 को सिंबल देंगे। और उन्होंने बधाई दी कि नहीं, आप अच्छा आपने नॉमिनेशन किया है, आप जीत करके आओ। सा कुशल 100% एब्सोल्युटली करेक्ट राइट। और आई एम हैप्पी कि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इन पिछले 8-10 दिनों से हमने मेहनत की है और ऊपर वाले की भी कृपा हो रही है उस पर। आप लोगों का प्यार पहले जो है कम था, मीडिया भी हमारे साथ है, पब्लिक भी हमारे साथ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं दिखाई भी नहीं देगी। और BSP का प्रत्याशी शब्बीर अब्बास उत्तर विधानसभा से प्रचंड बहुमत से जीतेगा, ऐसा मेरे को यकीन है और विश्वास है। नहीं, मुझे मेरा एक्सपीरियंस था पहले का, तो पर्चा फाइल करने में मुझे नहीं लग रहा था कि कोई दिक्कत आएगी या कोई अंदर उसमें स्क्रूटनी में कोई दिक्कत आएगी। स्क्रूटनी होगी, अच्छी तरह से स्क्रूटनी होगी। समीकरण बहुत अच्छा है इस बार, जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है प्रदेश में, अच्छा माहौल है, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और क्षेत्रीय मुद्दे, सामाजिक मुद्दे आप सब देख ही रहे हो, लोग 2 साल से 3 साल से
कोविड में परेशान है, उससे पहले जो नोटबंदी जीएसटी ने मार दिया, अब जो है वो जूता उद्योग पे फिर जीएसटी लगा दिया गया है, स्कूल बंद हैं, फीसें जा रही हैं, नौकरियां चली गई, बहुत सारे मुद्दे हैं आप जान रहे हैं। नामांकन की आज स्क्रूटनी थी और मेरा नामांकन के 2 सेट स्वीकृत पाए गए हैं और मेरे को क्लीन चिट मिल गई है कि नाउ यू आर ओके। इस बार चुनाव में क्या समीकरण लग रहे हैं आप? चुनाव हम जीतेंगे क्योंकि हर वर्ग का, हर बिरादरी का व्यक्ति मुझे वोट देने को तैयार है और मैंने इसीलिए अपना जो चुनाव का टैग सेंटेंस है, न जाति न धर्म न नाम को, वोट मेरे काम को, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने हर बिरादरी में, हर जाति में, हर धर्म के क्षेत्र में के लोगों के अनुयायियों पे काम किया है और मेरे नेता ने, मोदी जी से लेकर योगी जी तक ने, सबकी जो योजनाएं हैं हर वर्ग के लिए, तो हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देने को तैयार है। मैं बता रहा हूं आपको कि पिछली बार मुझे 1,12,000 वोट मिला था, इस बार 1.5 लाख के करीब वोट मिलेगा। चुनाव इस वक्त हाइट पकड़ चुका है और जनता का पूरा सहयोग भी मिल रहा है, जनता का पूरा आशीर्वाद भी मिल रहा है। जो हमने 10 साल कार्य किए हैं जनता के लिए, मैंने चाहे मैंने हों, विधायक जी ने हों, हमारी एनजीओ के द्वारा जो भी कार्य किए हैं उसका जनता सराहना भी करती है और कोरोना काल में जितने हम लोगों ने सेवाएं दी हैं उससे जनता में प्यार भी हमें मिल रहा है और जनता का सहयोग भी मिल रहा है। मैं सुबह आया, मेरा नाम बोला, मैं एसडीएम मैडम के चैम्बर में गया, पर्चा मेरा सभी तरह से ओके है और मुझे बुक्स वगैरह दे दी गई हैं, जो गाइडलाइन है चुनाव आयोग की वो भी बुक्स दे दी गई है, एक रजिस्टर खर्चे का वो भी दे दिया गया है और मैं रजिस्टर पर साइन कराने के बाद अपना यहाँ आया था वकील साहब के पास, अब मुझे चुनाव एजेंट बनाने थे इसलिए मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ, मैं उन्हें बुलाया है, उनके साइन करके चलाया। पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के लिए सपा महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार भी जिला मुख्यालय पहुंचे थे, जिन्होंने पार्टी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा शुरू से हमें दी, हम आगरा के साथ साथ तमाम और जिलों में, चाहे बनारस हो, मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो, अयोध्या हो और स्टेट के बाहर भी राजस्थान का स्टार प्रचारक बनाने का काम मेरे को किया गया, तो तमाम मैंने इलेक्शन कराए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये इलेक्शन हो रहा है, ये जनता इलेक्शन लड़ रही है, ये भाजपा झूठ बोल के जो सरकार में आई वो झूठ में ये लोग एक्सपोज हो चुके जनता के सामने। जिस तरीके से जीएसटी से इन्होंने व्यापारी बर्बाद किए, नोटबंदी से लोग बर्बाद किए, कोरोना काल में बिना ऑक्सीजन के लोग मर गए, गंगा जमुना में लाशें बह गई, जानवर कब्बे और कुत्तों ने लाशों को नोचने का काम किया जो पूरे देश ने देखा, तो मैं समझता हूँ ये जनता उत्तर प्रदेश की आगरा से लेकर चुनाव लड़ रही है और भाजपा को सबक सिखाने का काम जनता ही करेगी और एक ही विकल्प उन्होंने चुना है जिनका नाम श्री अखिलेश यादव जी है। मैं धन्यवाद दूंगा जनता को कि जिस जनता ने इनको जिताने का काम किया वही इनको उतारने का काम करेगी और श्री अखिलेश यादव जी को हमारे मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी और आगरा से लेकर देहात तक तमाम हमारे प्रत्याशियों को विधायक बनाने का काम करेगी। आगरा में 114 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र पास हुए हैं, अब बाह विधानसभा सीट पर सर्वाधिक 19 प्रत्याशी हैं। अगर इस सीट से 4 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र वापस नहीं लिए तो यहां 2 ईवीएम लगाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम में नोटा सहित कुल 16 बटन हैं। विजय बघेल, सी न्यूज आगरा।